विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। जन विज्ञान के इस अंक में देखिएगा, अब बनाए जा सकेंगे बार बार इस्तेमाल होने वाले जीवाणुरोधी मास्क, बीमारियों से बचाएंगे पोषक तत्वों से भरपूर बैंगन और संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के ग्रासरूट इनोवेटर सुरेंद्र प्रसाद ने बनाया मॉडिफाइड कंबाइन हार्वेस्टर। कोरोना महामारी ने मास्क लगाना हम सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है, लेकिन असल दिक्कत यह है कि मास्क को बार बार बदलना पड़ता है। किसी मास्क को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है तो किसी को बार बार धोकर कुछ दिनों तक। इस प्रकार मास्क ने लोगों का एक अतिरिक्त खर्च भी बढ़ा दिया है, लेकिन अब ऐसा मास्क उपलब्ध होगा जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि सिर्फ धूप में सुखाना होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने वायरस को छानने वाली, स्वतः स्वच्छ होने वाली एक जीवाणुरोधी सामग्री विकसित की है, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मास्क और PPE किट में इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि इस नैनो सामग्री के इस्तेमाल से मास्क इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी देर सूरज की रोशनी में रखना होगा, जिससे वह जीवाणु मुक्त हो जाता है तथा इसके बाद उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। IIT मंडी में स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के सहायक प्रोफेसर अमित जायसवाल ने कहा, वैश्विक महामारी की तत्कालिकता और किफायत को ध्यान में रखते हुए हमने विशेषकर चेहरे के मास्क समेत मौजूदा PPE किट को फिर से इस्तेमाल योग्य बनाने की रणनीति तैयार की है। इसके लिए हमने इन रक्षात्मक कपड़ों में रोगाणुरोधी परत उपलब्ध कराई है। अनुसंधानकर्ताओं के दल ने ऐसी सामग्रियां इस्तेमाल की हैं जो मानव के बाल की चौड़ाई से भी लाख गुना छोटी हैं, और इससे पॉलीकॉटन कपड़ों को रोगाणुरोधी बनाने में मदद मिलती है। टीम ने मोलिब्डेनम सल्फाइड की नैनोमीटर आकार की सामग्री का इस्तेमाल किया है, जिसके तेज किनारे छोटे चाकुओं की तरह काम करते हैं और जीवाणु एवं वायरस की झिल्ली को छेद देते हैं, जिसके कारण वे समाप्त हो जाते हैं। जायसवाल ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि COVID-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस नवोन्मेष का समाज पर बड़ा और तत्काल प्रभाव पड़ेगा तथा यह तकनीक आम लोगों के लिए मास्क को एक किफायती वस्तु के रूप में पेश करेगी। इस बाबत शोध पत्र प्रतिष्ठित अमेरिकन केमिकल सोसाइटी अप्लाइड मटेरियल और इंटरफेसेस में हाल में प्रकाशित हुआ है। बैंगन कुछ लोगों की पसंदीदा सब्जी है तो कुछ लोग इसे उपेक्षा की नजर से भी देखते हैं, यानी कि पसंद नहीं करते। लेकिन बैंगन की जो नई किस्में विकसित की गई हैं, वो ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर हैं जो कई किस्म की बीमारियों से बचाने में भी कारगर साबित हो सकते हैं। इन किस्मों को विकसित किया है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की योजना के तहत बैगन की नई किस्में विकसित की गई हैं। दरअसल DST विश्वविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं के तहत शोध के लिए राशि प्रदान करता है। इसी राशि के तहत हुए शोध में बैगन की ये दो किस्में पंजाब रौनक एवं पंजाब भरपूर तैयार की गई हैं। दोनों किस्मों में एंथोसाइनिन की प्रचुर मात्रा है। यह फलों एवं सब्जियों में पाए जाने वाला एक पिगमेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भी भरपूर होता है। इसकी पहचान रंग से होती है, इससे बैगन का रंग गहरा बैगनी दिखाई देता है। दोनों किस्मों में
उत्पादन परंपरागत किस्मों की तुलना में 40 से 50 फीसदी ज्यादा होता है। पंजाब रौनक किस्म की खूबी यह है कि इसका पेड़ बेहद छोटा होता है, जिसे बालकनी के गमले में उगाया जा सकता है। दूसरी खूबी यह है कि इस पेड़ पर साल भर बैगन लगते हैं। तीसरी खूबी यह है कि इसका फल लंबा होता है। चौथी खूबी यह कि इसकी फसल जल्दी तैयार होती है। इसका प्रति एकड़ उत्पादन 242 कुंतल है। पंजाब भरपूर किस्म में पेड़ अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा या मध्यम आकार का होता है। इसमें बैगन का आकार छोटा होता है तथा इस पर किसी प्रकार के बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा नहीं होता है। प्रति एकड़ उत्पादन करीब 224 कुंतल होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एंथोसायनिन की मात्रा ज्यादा होने से यह बैगन पहले से ज्यादा पोषक पाए गए हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी ज्यादा है। यह प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाते हैं। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे को बढ़ाता है। इसे मधुमेह का खतरा कम होता है। एंथोसायनिन में कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बैगन की इन किस्मों को खेती के लिए उत्तर भारत में किसानों को जारी कर दिया है। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के ग्रासरूट इनोवेटर सुरेंद्र प्रसाद को पिता की असमय मृत्यु के कारण बचपन से ही कृषि कार्यों में लगना पड़ा। हालांकि खेती में कुछ खास फायदा नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने साइकिल मरम्मत की दुकान भी खोली और कई जगह मैकेनिक की नौकरी भी की। लेकिन इस दौरान उन्होंने देखा कि किसानों को कई कार्य अभी भी मैनुअल तरीके से करने पड़ते हैं, जिसमें काफी मेहनत और वक्त बर्बाद होता है। इसे देखते हुए उन्होंने मॉडिफाइड कंबाइन हार्वेस्टर बना डाला। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के ग्रास रूट इनोवेटर सुरेंद्र प्रसाद ने पंजाब में रहकर भी खेती कार्य किया है और इस दौरान महसूस किया कि मौजूदा हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई करने वाली मशीनों में कई खामियां हैं, जिसके चलते किसानों का आधा कार्य मशीन से होता है और आधा मैनुअल। दरअसल कटाई करने वाली मशीनों के बाद खेतों में बड़े पैमाने पर फसलों के अवशेष छूट जाते हैं, जिन्हें एकत्र करने के लिए किसानों को अलग से मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें नष्ट करने के लिए जलाना पड़ता है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा खेतों में आग लगाने के कारण जमीन की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी मिश्रित हार्वेस्टिंग मशीन बनाने की सोची जो फसल काटे भी और साथ में फसलों के अवशेष को भी नष्ट करे। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने 2011 में मॉडिफाइड कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन तैयार की। यह मशीन फसलों की कटाई बेहतरीन तरीके से करती है, जिससे अनाज के दानों को नुकसान नहीं होता है। इसे ट्रैक्टर में लगाकर चलाया जाता है। इस मशीन में दो चैम्बर बनाए गए हैं, जिसमें एक में अनाज जमा होता है तथा दूसरे चैम्बर में फसलों के अवशेष एकत्र हो जाते हैं। अनाज एकत्र करने वाले चैम्बर की क्षमता 8 कुंतल और अवशेष एकत्र करने वाले चैम्बर की 6 से 8 कुंतल के बीच है। मशीन 1 घंटे में 1 एकड़ फसल की कटाई करने में सक्षम है। इसके लिए कम से कम 65 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए। दरअसल मशीन जब फसल की कटाई करती है तो यह अवशेषों की भी मड़ाई करते हुए उन्हें भूसे में तब्दील कर चैम्बर में जमा करती जाती है। इसलिए दो काम एक साथ हो जाते हैं तथा किसानों को खेतों में दोगुनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उन्होंने इस मशीन का पेटेंट भी किया है। प्रसाद को इस नवाचार के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने 2017 में नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस TV अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी जन विज्ञान के एक रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।